एनसीआर में ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले एक पखवाड़े के दौरान ठंड में और इजाफा देखने को मिल सकता है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि मौसम में मौजूद नमी के चलते हल्की धुंध बन रही है, जो धूप निकलने के साथ ही गायब हो जा रही है। अगले कुछ दिनों तक दिन भर आसमान साफ रहने के आसार हैं, यानी सुबह शाम ठंड होगी और दिन में धूप खिलेगी। वहीं इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस वजह से सुबह के वक्त ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को आकाश साफ रहेगा व सुबह में धुंध होने की संभावना है। इस अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है इस दौरान। वहीं अगले एक सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस तरह अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बीच शुक्रवार को दिन में तेज धूप के चलते हल्की गर्मी भी महसूस की गई। यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक और चलेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान और गिर सकता है। इसके चलते ठंड में और इजाफा होगा। मौसम विभाग पहले ही दिसंबर और जनवरी में दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान जता चुका है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।